हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता के लिए हमने यह यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसकी सहायता से हम टीचर्स और स्टूडेंट की कुछ हेल्प कर सकें। दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से क्या आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, पालक हैं या विद्यार्थी हैं? इनमें से जो भी हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वीडियो, तो देखते हैं वीडियो। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक आदेश डिस्पैच किया गया है 15/5/2020 को, जिसके विषय में लिखा गया है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, डिजिलैब कार्यक्रम के क्रियान्वयन विषयक। दोस्तों, यह जो लेटर है सामान्य सभी शिक्षकों के लिए लिखा गया है, सभी विद्यालय के लिए लिखा गया है, जिसमें हर्ष का विषय है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु शिक्षक साथियों द्वारा कर्तव्यनिष्ठ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी इन प्रयासों को और सार्थक बनाने की आवश्यकता है। विशेषकर वर्तमान COVID-19 के परिदृश्य में शैक्षणिक गतिविधियों के अवरुद्ध होने से लर्निंग लॉस होना संभावित है। अतएव यह आवश्यक है कि वर्तमान समय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बच्चों तक शिक्षण सामग्री पहुँचाई जाए। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा संवर्धन हेतु डिजिलैब डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम अंतर्गत व्हाट्सएप समूहों व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। परिवर्तित परिदृश्य में डिजिटल शिक्षा सीखने सिखाने का सशक्त माध्यम बन रहा है, परंतु पहली बार डिजिलैब द्वारा प्रदाय की जा रही शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे विद्यार्थियों के मन में मस्तिष्क में बहुत से सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि उनके शिक्षक के द्वारा जीवन संपर्क में बनाए रखने के लिए संभव है। डिजिलैब कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से ही कई शिक्षक साथियों द्वारा शिक्षक सामग्री प्राप्त होने के उपरांत विद्यार्थियों को फ़ोन पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कई शिक्षक साथियों के द्वारा व्हाट्सएप पर कार्यपुस्तिका चेक करके वापस भेजी जा रही है। शिक्षक द्वारा इस तरह किए गए कार्य प्रयासों से न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि उनके माता पिता भी डिजिलैब कार्यक्रम से निरंतर जुड़ रहे हैं। अतः इस महत्वपूर्ण यात्रा में आपके सहयोग के लिए किए जाने वाले प्रयासों को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है। शालावार एवं कक्षावार बने व्हाट्सएप ग्रुप समूह द्वारा प्रतिदिन कक्षा अनुरूप शिक्षण सामग्री 12 बजे के पूर्व विद्यार्थियों अभिभावक के मोबाइल पर प्रदाय करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रतिदिन 5 से 6 छात्रों से दूरभाष पर कार्यक्रम के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इस प्रकार 10-12 दिन में आप अपनी शाला के सभी विद्यार्थियों से संपर्क कर लें। छात्रों और अभिभावकों एवं पालकों से परिचर्चा में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करें। कारम्बर, छात्र डिजिलैब सामग्री को अच्छी तरह से देख और समझ रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? खा नंबर, पालक द्वारा उपयोग किए जा रहे फ़ोन पर प्रतिदिन प्राप्त हो रहे डिजिलैब सामग्री के अध्ययन हेतु बच्चों को फ़ोन उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करें। गा नंबर, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पूर्व गृह कार्य की तस्वीरें भेजने के लिए कहें। गृह कार्य की समीक्षा करें, अपनी टिप्पणी दें व इसे छात्र को व्हाट्सएप पर वापस भेजें। अब आता है तीसरा पॉइंट, शिक्षक द्वारा इस पहल के अनुपालन के मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक होगा कि हर दिन के अंत में प्रत्येक शिक्षक द्वारा संकुल व्हाट्सएप समूह के माध्यम से भेजे गए गूगल फॉर्म को भरा जाए। फॉर्म में उन छात्रों के नाम व फ़ोन नंबर दर्ज करने होंगे जिनसे उन्होंने संपर्क किया है। फॉर्म इस लिंक पर देखिए या अलग से भेजा जा रहा है। शिक्षक को समय समय पर क्वेज असाइनमेंट अतिरिक्त शिक्षण व प्रत्येक रविवार भेजी जा रही फिल्म बुक उपलब्ध कराई जाएगी, जिनसे शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के साथ फ़ोन और व्हाट्सएप दोनों के माध्यम से जुड़ने में मदद मिलेगी। 5वां, विद्यार्थियों को डिजिलैब टीवी व रेडियो स्कूल कार्यक्रम के उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने वाले शिक्षकों को राज्य जिला व ब्लॉक स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। अतः
आप सभी से यह अपेक्षा है कि कोविड-19 परिस्थिति में अपने घर में सुरक्षित रहें एवं प्रतिदिन विद्यार्थियों पालकों से डिजिलैप कार्यक्रम के संबंध में चर्चा कर संभावित लर्निंग लॉस को कम करने एवं सीखने की प्रक्रिया को निरंतर रखने बनाए रखने हेतु शिक्षकों का अपनी शाला के विद्यार्थियों एवं पालकों से निरंतर बातचीत करते रहेंगे। इस प्रकार का आदेश श्री लोकेश कुमार जाटव आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा डिस्पैच किया गया है दिनांक 15/5/2020 को। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी जिम्मेदारी सभी स्टूडेंट सभी पेरेंट्स सभी टीचर्स अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग लॉस से बचाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय भारत।